हे गाइस व्हाट्स अप। तो आज हम लोग बात करेंगे वाल्डेयर्स रिंग के बारे में, ठीक है ना। तो सबसे पहली बात ये क्या है कि ये एक तरीके का रिंग, रिंग क्या है कि कलेक्शन ऑफ लिम्फोइड टिश्यू है। दिस इज द कलेक्शन ऑफ लिम्फोइड टिश्यू, ठीक है ना। अब ये कलेक्शन ऑफ लिम्फोइड टिश्यू है और ये क्या करता है, पहली दूसरी चीज, ठीक है ना। इट प्रोवाइड्स लोकल एंड सिस्टमिक इम्यूनिटी इन अ चाइल्ड, ठीक है ना। तो ये क्या होता है कि पहली बात तो वाल्डेयर्स रिंग एज इन कोई रिंग नहीं होती स्पेसिफिकली, ठीक है ना। ये हमने एक तरीके से अपने जो सुविधा के लिए हमने एक तरीके से इसको मान लिया कि एक तरीके की रिंग है। बेसिकली ये क्या है कि ये कलेक्शन ऑफ लिम्फोइड टिश्यू है, ठीक है ना। आपके जो है फेरिंग्स में एक कलेक्शन ऑफ लिम्फोइड टिश्यू है जो कि लोकल और सिस्टमिक इम्यूनिटी ये प्रोवाइड कराता है चिल्ड्रन में, ठीक है ना। ठीक है, लिम्फोइड टिश्यू क्या करता है बेसिकली, और ये लोकल और सिस्टमिक इम्यूनिटी प्रोवाइड कराता है, और ये जो है एट्रोफीड गेट्स एट्रोफीड इन लेटर एज, लेटर एज में ये एट्रोफी भी हो जाता है, ठीक है ना। और ये कहाँ होता है बेसिकली, जो लिम्फोइड ये आपका टिश्यू है, कलेक्शन ऑफ लिम्फोइड टिश्यू, ये बिलो लाइनिंग एपिथीलियम होता है, बिलो द लाइनिंग एपिथीलियम ये होता है, ठीक है ना। तो ये बेसिक सा थोड़ा सा इसका इंट्रो था कि मैं इतना सी चीज़ें इतनी चीज़ें बताने के बाद अब आपको आगे वाल्डेयर रिंग के बारे में बताना चाहूँगा, ठीक है ना। तो इसको क्या कहते हैं, वाल्डेयर्स टॉन्सिलर रिंग, इसको क्या कहते हैं, ऑल्सो नोन एज वाल्डेयर टॉन्सिलर रिंग, क्योंकि टॉन्सिल में वही होता है, ठीक है ना। फेरिंजियल लिम्फोइड रिंग, इसको फेरिंग्स में होता है तो फेरिंजियल लिम्फोइड रिंग, क्या क्या कह सकते हैं, वाल्डेयर्स टॉन्सिलर रिंग या फेरिंजियल लिम्फोइड रिंग या वाल्डेयर्स लिम्फैटिक रिंग, बिकॉज ये कलेक्शन ऑफ लिम्फोइड टिश्यू है, ठीक है ना, जो कि एपिथीलियम के मतलब कि बिलो द लाइनिंग ऑफ एपिथीलियम होता है। और ये क्या करता है, गेट एट्रोफीड इन बाय एज, और ये क्या करता है, लोकल और सिस्टमिक इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है इन अ चाइल्ड, ठीक है ना, इन चिल्ड्रन, ठीक है ना। तो इट इज एनाटॉमिकल टर्म, ये एनाटॉमिकल टर्म है, कलेक्टिवली डिस्क्राइबिंग द एनुलर अरेंजमेंट ऑफ लिम्फोइड टिश्यू। ये ऐसा कोई रिंग नहीं है, ठीक है ना, हमने इसको एक एनाटॉमिकल टर्म दे दिया है कि ये एक तरीके का एनाटॉमिकल टर्म है, और ये कलेक्टिवली डिस्क्राइब करता है द एनुलर अरेंजमेंट ऑफ लिम्फोइड। इसमें क्या हम लोग डिस्क्राइब करते हैं, एनुलर अरेंजमेंट, एनुलर अरेंजमेंट एज इन जो गोला सा अरेंजमेंट ऑफ लिम्फोइड टिश्यू इन द फेरिंक्स, ठीक है, एनाटॉमिकल टर्म कलेक्टिवली डिस्क्राइबिंग द एनुलर अरेंजमेंट ऑफ लिम्फोइड टिश्यू, ठीक, स्कैटर्ड थ्रू आउट द फेरिंक्सेस, फेरिंक्स में, थ्रू आउट द फेरिंक्स, ये सब एपिथेलियल लेयर में, जैसे बताया था आपको बिलो द लाइनिंग एपिथेलियम, सब एपिथेलियल लेयर में होता है, ठीक है ना। इज दिस लिम्फोइड टिश्यू स्कैटर्ड थ्रू आउट द फेरिंक्स इन इट्स सब एपिथेलियल लेयर इन द लिम्फोइड टिश्यू, ठीक। दिस लिम्फोइड टिश्यू इज एग्रीगेटेड एज प्लेट्स टू फॉर्म मासेस, और ये मतलब कि ये जो लिम्फोइड टिश्यू है ये एग्रीगेट कर गया कुछ जगहों पे, उसी को क्या कहते हैं, मासेस, वही होते हैं जिसको वाल्डेयर्स रिंग कहते हैं, ठीक है ना। एग्रीगेट कर जाता है कुछ जगहों पे तो मासेस होते हैं, ठीक है ना। मासेस को ही जो वाल्डेयर रिंग के कंपोनेंट जो आपको बताऊंगा वो होंगे, ठीक है। नेम्ड आफ्टर जर्मन एनाटॉमिस्ट वाल्डेयर हार्ट्स, ये आप अगर याद कर सकते हो तो बहुत बढ़िया, नहीं याद कर सकते कोई बात नहीं, ठीक। अब एन अनइंटरप्टेड सर्किल ऑफ प्रोटेक्टिव लिम्फोइड टिश्यू एट द अपर एंड ऑफ रेस्पिरेटरी एंड एलिमेंट्री ट्रैक्ट्स। अब इसका क्या मतलब है, ये एक इंटरप्टेड सर्किल है, ठीक है ना। इंटरप्टेड सर्किल प्रोटेक्टिव लिम्फोइड टिश्यू का है, ये इंटरप्टेड सर्किल मतलब कि पूरा सर्किल नहीं बना रहा, देखो पूरा सर्किल नहीं बनाता है, ये कुछ कुछ जगह प्रेजेंट है, क्योंकि कुछ ये क्या है, क्या लिखा है, एग्रीगेटेड एट प्लेसेस, ठीक है ना, तो प्लेसेस में एग्रीगेटेड है, ठीक है। तो कुछ मासेस बनाता है, उसी को वाल्डेयर रिंग कहते हैं। तो ये इंटरप्टेड सर्किल है ऑफ प्रोटेक्टिव लिम्फोइड टिश्यू एट अपर एंड्स ऑफ द रेस्पिरेटरी एंड एलिमेंट्री ट्रैक्ट, अपर मतलब कि रेस्पिरेटरी और एलिमेंट्री, देखो रेस्पिरेटरी और एलिमेंट्री ट्रैक्ट ही तो आगे जाके ऊपर जो पेरेंट्स का एरिया है वो बनाएंगे ना, तो यही चीज बोल रहा है ये, एट द अपर एंड ऑफ रेस्पिरेटरी एंड एलिमेंट्री ट्रैक्ट, ठीक है ना। तो ये एक बेसिक सा मैं आपको बता देता हूँ कि ये बेसिक सा क्या आपको देखना है, इसमें समझने की कोशिश करना है इसको। तो ये है आपका एडिनोइड, जो कि इसको क्या कहते हैं, फेरिंजियल टॉन्सिल, ये है ट्यूबल टॉन्सिल, ये है पैलेटाइन टॉन्सिल, और ये है लिंगुअल टॉन्सिल। अब इसको कैसे याद करेंगे, ठीक है ना। तो एक ट्रिक मैं आपको बताता हूँ, ट्रिक क्या है, कैसे याद करना है, ए टी पी ले, ठीक है ना। ए से क्या, एडिनोइड्स, एडिनोइड, टी से क्या है, ट्यूबल, पी से क्या है, पैलेटाइन, और एल से क्या है, लिंगुअल टॉन्सिल, ठीक है ना। तो ये इससे आपका जो है टॉन्सिल की पूरी अरेंजमेंट, जिससे मतलब कि ऐसा हैपजार्ड नहीं, एकदम आराम से, मतलब कि पूरा लीनियर अरेंजमेंट में आपको समझ में आ जाता है कि हाँ ये ठीक है चीजें हैं, एटीपी ले बस, ठीक है ना। एटीपी मतलब जो एनर्जी करेंसी ऑफ द मतलब कि सेल का होता है, ठीक है ना। तो फेरिंजियल टॉन्सिल बेसिकली कहाँ लाइन करता है, ठीक है ना। तो फेरिंजियल
टॉन्सिल क्या होता है, ये होता है अपर मिड लाइन नेजोफेरिंक्स में। तो नेजोफेरिंक्स में ये अपर मिड लाइन में होता है, ठीक है ना, नेजोफेरिंक्स की अपर मिड लाइन में, मिड लाइन में एकदम होता है। अगर बायलैटरल एडिनॉइड हाइपरट्रॉफी हो गई तो आप जानते हो कि दिक्कत हो जाती है, मतलब सांस लेने में तकलीफ होने लगती है, और उसी को एडिनॉइड फेसिस हो जाता है, जो हाई आर्च्ड वाला ये सब चीज़ें होती है ना, तो वो सब चीज़ें होने लगती हैं बच्चों को। और ये ट्यूबल टॉन्सिल होता है कहाँ, अराउंड द ओपनिंग्स ऑफ ऑडिटरी ट्यूब, क्योंकि ट्यूबल वाला, ट्यूबल ट्यूब से क्या है, ऑडिटरी ट्यूब, ऑडिटरी ट्यूब जहाँ पे ओपनिंग होती है तो वहाँ पे ये ट्यूबल टॉन्सिल्स होते हैं, ठीक है ना। पैलेटाइन टॉन्सिल का ईदर साइड ऑफ ओरोफेरिंक्स, ओरोफेरिंक्स नीचे वाला, मतलब नेजोफेरिंक्स, ओरोफेरिंक्स, हाइपोफेरिंक्स, हाइपोफेरिंक्स में लेकिन नहीं जाता चीज़ें, हाइपोफेरिंक्स में कोई भी टॉन्सिल नहीं होता, ठीक है ना, केवल नेजोफेरिंक्स और ओरोफेरिंक्स में होता है, ठीक है। लिंगुअल टॉन्सिल फैला गया, फिर नीचे होता है अंडर म्यूकोसा ऑफ पोस्टीरियर वन थर्ड ऑफ टंग में, ठीक है ना, कहाँ पे होता है, अंडर म्यूकोसा ऑफ पोस्टीरियर वन थर्ड ऑफ टंग में, तो ठीक है ना। तो सबसे पहले एडिनॉइड्स कहाँ होते हैं, अपर मिड लाइन, मतलब मिड लाइन में, अपर मिड लाइन इन नेजोफेरिंक्स, फिर जो ट्यूबल होता है अराउंड ओपनिंग ऑफ स्टैकिन ट्यूब, और जो तो आपका ट्यूबल पैलेटाइन होता है इधर इधर साइड ऑफ ओरोफेरिंक्स और पोस्टीरियर वन थर्ड के पास में, अंडर म्यूकोसा ऑफ पोस्टीरियर वन थर्ड ऑफ टंग, ट्यूबल अरे लिंगुअल टॉन्सिल, ठीक है ना, अंडर म्यूकोसा ऑफ वन थर्ड ऑफ टंग। तो कंपोनेंट्स क्या क्या होंगे, ठीक है, तो कंपोनेंट्स में होंगे मतलब कि नेजोफेरिंजियल टॉन्सिल और एडिनॉइड्स, एक केवल इसका एक नंबर होता है, ठीक है, केवल एक, क्योंकि ये बायलैटरली ऑब्स्ट्रक्ट करता है, लोकेटेड एट द रूफ ऑफ नेसोफेरिंग्स इन द मिड लाइन अंडर द स्फीनोइड बोन, इस स्फीनोइड बोन के मतलब कि नीचे रहता है, अंडर द स्फीनोइड, स्फीनोइड समझ रहे हो कहाँ होता है, अगर आप नहीं समझ पा रहे हो तो थोड़ा सा इमेजिन करने की कोशिश करो, स्फीनोइड के जस्ट नीचे, ठीक है ना, लोकेटेड ऑन द रूफ ऑफ नेसोफेरिंग्स, रूफ पे होता है ना, रूफ ऑफ नेसोफेरिंग्स पे होता है और वो स्फीनोइड बोन के जस्ट नीचे होता है, ठीक है ना। तो और इसके बारे में आप क्या कर सकते हैं कि जो एडिनॉइड्स है इसको लश्काज नॉट लशी मतलब कि इसको क्या कहते हैं, लश्काज टॉन्सिल्स कहते हैं, LUSCH, ठीक है ना, KAS, लश्का टॉन्सिल्स भी कहते हैं, और इसी को नेजोफेरिंजियल टॉन्सिल भी कहते हैं, ठीक है, लोकेटेड जो है इसका नेजोफेरिंग से होता है और नेजल इंडोस, ये कैसे हम लोग देख सकते हैं, सीन वाया नेजल इंडोस्कोपी, ये नेजल इंडोस्कोपी से हम लोग मतलब कि एग्जामिन कर सकते हैं, ठीक है ना। ट्यूबल टॉन्सिल क्या होता है, ट्यूबल टॉन्सिल दो इन नंबर होता है, ये बायलैटरल होता है, वेयर ईच स्टैकिन ट्यूब ओपन्स इनटू नेजोफेरिंक्स, स्टैकिन ट्यूब मतलब कि ऑडिटरी ट्यूब। तो अगर आपको ना समझ में आए कि हाँ भाई कहाँ ये खुलता था, तो ये याद रख लो ट्यूब, ट्यूब इज द वर्ड, तो आपको समझ में आ जाएगा कि एक स्टैकिन ट्यूब है, वहाँ पे नेजोफेरिंक्स पे खुलती है, तो वहाँ पे होगा ट्यूबल टॉन्सिल, और इसी को क्या कहते हैं ट्यूबल टॉन्सिल, तो गेरलाज, गेर लाच, गेर लाच टॉन्सिल, ठीक है ना, एक हो गया लश्कास, एक होता है गर्लाच, ठीक। तो ये लोकेटेड बिहाइंड स्टैकिन ट्यूब, और एक होता है पैलेटाइन, और इसी को पैलेटाइन को क्या कहते हैं, फॉशियल, फॉशियल टॉन्सिल भी कहते हैं, फॉशियल टॉन्सिल, ठीक है ना, ट्यूबल टॉन्सिल को मतलब पैलेटाइन टॉन्सिल को फॉशियल, ये बायलैटरली मतलब कि दो नंबर होता है, लोकेटेड इन नेसोफेरिंक्स होता है। अब लिंगुअल टॉन्सिल बेस ऑफ टंग में होता है, लोकेटेड ऑन पोस्टीरियर पार्ट, पोस्टीरियर वन थर्ड ऑफ टंग, ठीक है ना। इसके अलावा कुछ कुछ चीज़ें होती हैं, जैसे लेटरल फेरेंजियल बैंड्स, नोड्यूल्स इन द पोस्टीरियर फेरेंजियल वॉल, तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, चार कंपोनेंट हैं, चार कंपोनेंट अगर याद होते हैं तो बढ़िया, नहीं ठीक है ना, ये चार कंपोनेंट आपका एकदम टिप्स पे होना चाहिए, ATP ले, ठीक है ना। अगर इसके अलावा आपको याद रखते हैं, रखना है कि लेटरल फेरेंजियल बैंड्स होते हैं, नोड्यूल्स होते हैं तो पोस्टीरियर फेरेंजियल वॉल, इसको याद रख सकते हो, ठीक है, वरना इसको हटा देना, ठीक। अब इसका एक मैं डायग्राम, एक थोड़ा सा डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन दिखा के आपको मतलब कि समझा देता हूँ, जैसे एक अगर आपको बनाने को आ जाए कि कहाँ वॉल्डेयर्स रिंग का कैसे आपको बनाना है, तो एक ये गोला बना देना, ठीक है। अब गोला में एक पेन, पिंक पेन उठाना, पिंक पेन से ये एडिनॉइड्स, क्योंकि एडिनॉइड्स यूनिलैटरल होते हैं, लोकेटेड इन द मिड लाइन ऑफ नेसोफेरिंक्स, ठीक है, मिड लाइन में होते हैं, तो ये एडिनॉइड्स हो गए आपके, ठीक है। फिर इसमें क्या करना, एक वॉलेट लेना, ऐसे 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 कर देना और इसको मार्क कर देना, ये तो हमारे हो गए एडिनॉइड्स, ये हो गए एडिनॉइड्स या लश्काज टॉन्सिल, ठीक, या नेसोफेरिंजियल टॉन्सिल। ठीक, अब दूसरा तुम्हारा कौन सा होता है, एडिनॉइड्स, एडिनॉइड्स में ऐसे यहाँ पे बना देना कहीं, ठीक है, बायलेटरल हो गए, बायलेटरल मतलब ऐसे ऐसे करके थोड़ा सा दिखा देना यार कि एडिनॉइड्स होते हैं, ऐसे करके ऐसे बना देना, ठीक है ना। तो मतलब ये होना चाहिए कि आपको इतना पता होना चाहिए कि कहाँ होते हैं एडिनॉइड्स, अरे हाँ एडिनॉइड्स कह रहा हूँ, अरे ट्यूबल टॉन्सिल, ठीक है ना, ट्यूबल हो गया, ट्यूबल टॉन्सिल्स, इसी को क्या कहते हैं हम लोग गर्लाच टॉन्सिल। ये कहाँ पे होता है आपका, और नेसोफेरिंक्स में होता है, बायलैटरली लोकेटेड, और ट्यूबल, ट्यूबल के कारण क्या है, लोकेटेड बिहाइंड द ओपनिंग ऑफ स्टैकिन ट्यूब। अब ये जो है आपका नेक्स्ट हम लोग बनाने जा रहे हैं पैलेटाइन टॉन्सिल, पैलेटाइन
ठीक है ना, ऐसे करके थोड़ा बना देना, पैलेटाइन टॉन्सिल, ये हो गया आपका पैलेटाइन टॉन्सिल, लोकेटेड इन ओरोफेरिंग्स, इसी को क्या कहते हैं फोशियल टॉन्सिल्स, ये ओरोफेरिंग्स में लोकेटेड होता है। और एक लास्ट में आएगा जो बेस ऑफ पोस्टीरियर वन थर्ड ऑफ द टंग पे होता है, उसको क्या कहते हैं लिंगुअल टॉन्सिल्स, ये ऐसे पूरा, ठीक है ना, ये लिंगुअल टॉन्सिल हो गया, इसका कोई और स्पेसिफिक नाम नहीं होता, ठीक है, तो ये ऐसे करके बना देना, ठीक है ना। तो ये आपका बेसिकली एक वॉल्डेयर्स रिंग का जो है डायग्राम हो गया आपका, ये हो गया वॉल्डेयर्स रिंग, ठीक है ना। तो आई होप आपको समझ में आया होगा और आपके पल्ले कुछ ना कुछ पड़ा होगा। तो इसका थोड़ा सा मैं एक थोड़ा सा अगर मैं एक्सटेंशन करना चाहूँ, अगर आपको और लिखने का मन करे अगर बाई चांस, तो मैं बता देता हूँ इसमें आप लोग क्या क्या ऐड कर सकते हो। जो एडिनॉइड्स और ट्यूबल टॉन्सिल हैं, ये बेसिकली आपके नेजोफेरिंग्स में लोकेटेड हैं। तो नेजोफेरिंग्स पे कैसी एपिथीलियम होती है, सिलिएटेड कॉलमनर, तो ये इसमें इसकी भी लाइनिंग क्या होगी, सिलिएटेड कॉलमनर, ठीक है ना। और जो ओरोफेरिंग्स में पैलेटाइन और लिंगुअल टॉन्सिल जो होते हैं ओरोफेरिंग्स में, तो वहां पे कैसी लाइनिंग होती, स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस। तो अगर आप इसकी हिस्टोलॉजी भी याद करना चाहो, तो इसकी हिस्टोलॉजी से भी आप देख सकते हो कि हाँ ये इसका ऐसे इसकी हिस्टोलॉजी हो सकती है, ठीक है ना। तो ये बात रही आपकी वॉल्डेयर्स रिंग के बारे में, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।